बाई वाई वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. Himalaya television dekh rya sabhi darshakam hai, main Dayaram Agrawal ko pyar bharyo abhivadan. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से आपकी पंक्तियां सांसों का पिंजरा किस दिन टूट जाएगा फिर मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा अभी साथ है तो बात कर लिया करो क्या पता कब साथ छूट जाएगा अब आज का अतिथि से बातचीत आज आपने कहने एक अया का अतिथि है जो नेपाल ने बहुत अच्छी से जाने है और नेपाल में भारत की तरफ से राजदूत रह चुका है एम्बेसडर राकेश सूद इन्हें से आपा अभी की राजनीतिक स्थिति और ये जब नेपाल में था उस समय की बातें करांगा और कार्यक्रम में इन्हें को स्वागत करा कार्यक्रम में आपका स्वागत धन्यवाद राजदूत के रूप में जब आप नेपाल में अपना कार्यकाल कितना सफल और कितना असफल मानते हैं देखिए ये उस वक़्त जब मैं यहाँ था 2008 में आया था और करीब 3.5 साल रहा तो वो एक ऐसा समय था जब नेपाल में राजनीतिक स्तर के ऊपर बहुत ही चेंजेस हुए बहुत ही बदलाव आए चुनाव हुआ चुनाव का परिणाम आप जानते हैं माओवादी सरकार बनी जब सीए मई में 2008 मई में जब सीए पहले सेशन में आई तो पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने मोनार्की को एबॉलिश किया और नेपाल को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया फिर उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की राजनीतिक गतिविधि हुई और फिर उसके बाद पुष्प कमल दहाल प्रचंड पहले माओवादी प्रधानमंत्री बने पर उसके बाद करीब 9-10 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया एक और सरकार बनी माधव नेपाल जी की वो सरकार चली कुछ देर फिर उसके बाद एक तरह से पार्लियामेंट में असेंबली में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वो बहुत सारे राउंड्स हुए इलेक्शन के जो सफल नहीं हो पाए प्रचंड जब प्रधानमंत्री थे वो भारत गए और बहुत अच्छी विजिट थी माधव नेपाल जी जब प्रधानमंत्री थे वो भी भारत गए बहुत अच्छी विजिट थी बाबूराम जी जब प्रधानमंत्री गए तब तक मैं यहाँ से जा रहा था और पर उनकी भी विजिट हुई हिंदुस्तान की बहुत अच्छी विजिट हुई तो इसलिए एक स्तर के ऊपर तो भारत और नेपाल के राजनीतिक स्तर के ऊपर संबंध जो थे वो मजबूत रहे आपके ऊपर ये आरोप भी लगे कि नेपाल के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और शायद भारत के राजदूत में पहली बार एक दुर्व्यवहार भी हुआ तो उसमें आप अपने आप को दोषी मानते हो या वो सिचुएशन की वो थी देखिए ये अक्सर होता है कि हम लोग किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं तो अब अगर माओवादी सरकार जो थी वो सिविल वॉर के बाद पहली दफा एक तरह से पीस प्रोसेस में आई थी और मुझे लगता है कि माओवादी पार्टी के अंदर अलग अलग विचारधाराएं थीं कुछ लोग थे जो इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड थे इस बात पे बुरा विश्वास था उनको कि अब हमको शांति के रास्ते पर आगे जाना है कुछ लोग थे जो सोचते थे कि नहीं अभी हमारी क्रांति जो है वो अधूरी है और वापस क्रांति के रास्ते पे जाना है और कुछ लोग थे जो बीच में रहते थे वो कभी इधर हो जाते थे कभी उधर हो जाते थे
तो इस तरह की स्थिति के अंदर किसी बाहर के व्यक्ति को आरोप लगाना या उसको ब्लेम करना एक तरह से इजी है। और एक फोटोग्राफर की नजर में नेपाल कैसा? आपको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक रहा है। हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे नेपाल जैसे खूबसूरत देश के अंदर आकर और एक तो काफ़ी जगह नेपाल में मौका मिला जाने का, और इसलिए नेपाल एक तरह से पैराडाइज है बिल्कुल फोटोग्राफर्स के लिए, बिल्कुल पैराडाइज है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पहाड़ हैं, पहाड़ों से मुझे बहुत लगाव है, और एक बहुत ही अभी भी जब मैं आज कल जब मैं आ रहा था हवाई जहाज़ में, तो जैसे ही एरोप्लेन लखनऊ से उत्तर की तरफ करता है तो वो एक पहला नज़ारा आता है पहाड़ों का, और उसको देखकर एकदम मुझे अपना नेपाल का समय याद आ गया। पिछले कुछ सालों में एंटी इंडियन फीलिंग नेपाल में बहुत रही, इसका कारण क्या मानते हैं? एंटी इंडियन फीलिंग नेपाल में एक नई चीज़ नहीं है, एंटी इंडियन फीलिंग यहाँ बहुत देर से पनप रही है। मेरे अपनी विचारधारा ये है कि हम लोग बहुत साल से ये होता था कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी वो हम भारतीय राजदूत से या भारतीय लीडर से कुछ और कहते थे, और फिर बाहर जाकर कुछ और कहते थे, और फिर बाद में ये होता था कि देखिए साहब एक सेंटिमेंट है तो इसलिए हमको पब्लिक में ये कहना पड़ता है, पर हम बिल्कुल भारत के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो आप समझते हैं और हम बिल्कुल भारत और नेपाल के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो ये दो तरह से चलता था, मतलब एक तरफ पब्लिक में भारत को कुछ कहना और प्राइवेट में भारतीय अधिकारियों को या भारतीय लीडर को एक अलग तरह से आश्वासन देना। एंटी इंडियनिज्म ये वहां से शुरू हुआ है, और ये एक खास तौर पे 60s 70s में भी देखा गया, 80s में भी देखा गया। मुझे लगता है कि एंटी इंडियनिज्म, अब लोग कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर आए तो जिस तरह उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली एक तरह से लोगों से एक रिलेशनशिप जोड़ा, जिस तरह उन्होंने असेंबली में स्पीच दी या जो भी उनके बाकी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और जिस तरह उन्होंने एक तरह से डायरेक्टली नेपाल के लोगों को संबोधित किया, चाहे वो अमीर लोग हैं चाहे गरीब लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं चाहे आम आदमी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं या चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो पहाड़ के हैं या वो तराई के हैं, तो उससे काफ़ी हद तक लोगों में ये हुआ कि एक बात साफ हुई कि भारत क्या चाहता है, भारत का कोई एजेंडा है या नहीं। और मेरे ख्याल से जो कुछ उन्होंने संदेश दिया उससे लोगों के मन में एक विश्वास हुआ कि भारत का कोई इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा या अपना कोई एजेंडा नहीं है। हम लोगों के जो कुछ कंसर्न्स हैं वो लाजमी बात है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों की डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से अपने जो कंसर्न्स हैं उनको खुलासा करके कह सकें और रीजनेबल तरीके से आपस में ऐसे निर्णय लें जो एक दूसरे के कंसर्न्स का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल उसका सोल्यूशन निकले जो भी कोई मुद्दा हो। तो एक ओपन किस्म की डिप्लोमेसी जो है ना, एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ओपन किस्म की डिप्लोमेसी मुझे लगता है आवश्यक है। तो मैं जब यहां था तो मैं कोशिश यही करता था कि जहां तक हो सके मैं साफ साफ बात करता था, जो मैं ओपनली कहता था, जो मैं पब्लिकली कहता था वही मैं प्राइवेटली कहता था, तो मैं कभी उसके अंदर कोई फर्क करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आपने जो कहा ना कि मोदी जी जब आए उन्होंने जिस तरीके से खुले रूप से बात को आगे रखा और उससे सेंटिमेंट में जो चेंज आया जी, उस चेंज को पहले वाले रिजिम क्यों नहीं ला सके? देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि
कोई अधिकारी कोई एम्बेसडर के स्पीच देने से या प्राइम मिनिस्टर के स्पीच देने में एक बहुत बड़ा अंतर है। जरूर ठीक है, एक राजनीतिक स्तर पे एक देश का लीडर और एक अधिकारी है, तो इसलिए उसके अंदर कभी इतना उसका वो कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं उसको मिल सकती जो प्राइम मिनिस्टर जब खुद बोल रहा है तो उसको मिलती है। दूसरा ये लगता है कि मोदी जी जब यहां आए तो मोदी जी स्वयं एक तरह से एक ऐतिहासिक जीत के बाद यहां आए। भारत में आप देखिए, भारत के अंदर पिछले 20 साल से जो भी चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा कोलिशन सरकारें बनी। पिछली बार जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी किसी सरकार को तो वो 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब मिली थी, वो उन मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें एक बहुत स्ट्रांग सिंपथी वेव थी। उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी। अच्छा, मोदी जी का जो चुनाव था 2014 का जो भारत का चुनाव था उसमें एक तरह से वो चीज बदल गई और एक स्ट्रांग लीडर के रूप में मोदी जी उभर के आए, तो इसलिए एक नया कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो लाजमी बात है कि उस तरह से। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मोदी जी एक, ये तो सब जानते हैं कि मोदी जी जो हैं वो एक बहुत ही प्रभावशाली ओरेटर हैं। वो स्पीच देने का जो उनका स्टाइल है, जो स्पीच देने का उनका हुनर है, वो हमने देखा है इलेक्शन में जिस तरह वो स्पीच देते थे और उसका क्या इम्पैक्ट होता था। तो वो एक पॉलिटिशियन है, वो कम्युनिकेट करना जानते हैं और वो इफेक्टिवली, ये उनकी ताकत है और वो इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वजह से वो उनकी इलेक्शन विक्ट्री जो थी, मैंने कहा आपसे ऐतिहासिक जीत थी। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब इस ये तीन वजह है जिसकी वजह से वो आकर यहां पर जो उन्होंने संदेश दिया उसका इतना इंपैक्ट। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, नेपालमा आयोजना हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलन कतिऔं हो? अप्सन ए 18, अप्सन बी 17, अप्सन सी 19 र अप्सन डी 16। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इन्डक्शन कुकर प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेव ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. Break ke baad aap sab ko phir se swagat hai. Abhi aapa baatchit kar rahe hain Ambassador Rakesh Sood se. Aao in baatchit ne phir se aage badhao. Modi ji ne jo apne padosi deshon se jo sambandh सुधारने का जो वातावरण तैयार किया, पहले वाले सरकारों में अपने पड़ोसी देशों को इतना महत्व नहीं दिया जाए, ऐसी नीति तो के कारण से तो नहीं था ये चीज? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। मुझे लगता है कि देखिए, आप आज से करीब 20 साल पहले की हम बात करें तो जब प्राइम मिनिस्टर इंदर गुजराल थे तो उन्होंने नेबरहुड के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा था कि हमको पड़ोसी देशों के साथ हमको किस तरह आगे बढ़ना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जो थे उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश की और कांग्रेस की जो सरकार थी वो भी
ये सही है आपका कहना कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नेपाल नहीं आ पाए, पर यह नहीं है कि नेपाल का कोई ऐसे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो जो हिंदुस्तान, जो इंडिया ना गए हों और जो वहां सबसे मिले ना हो और जिनको पूरी तरह से एक तरह से पूरा आश्वासन दिया गया कि इंडिया उनके साथ है। तो इसलिए ये बात एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये, पर फिर 10 साल क्यों लगे प्रधानमंत्री को आने में? अब ये कुछ मतलब ऐसा भी था, देखिए 2005 में 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2005 में उस वक्त यहां पे सिविल वॉर चल रहा था 2004 में, तो फिर उसके बाद पीस प्रोसेस शुरू हुआ और 2006 में फिर उसके बाद जब पीस प्रोसेस शुरू हुआ फिर उसके बाद स्थिति जो थी वो बिगड़ गई थी जब सर, क्योंकि पार्लियामेंट तो यहाँ पे सस्पेंड हो चुकी थी, फिर वापस आई, पार्लियामेंट को रिस्टोर किया और उसके अंदर बहुत राजनीतिक दबाव और ये सब कुछ था, तो फिर उसके बाद चुनाव होने थे 2008 के। पर अब जो भी कहिए, अब ये तो इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये हिस्टोरिकली वो सही था या नहीं था, पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय कितने यहां पे बदलाव हो रहे थे। आप नेपाल कहना चाह रहे हो इनस्टेबिलिटी जो थी शायद मूल कारण रहा होगा, वो एक जरूर मूल कारण रहा होगा। अब ठीक है मोदी जी, अच्छा पर मोदी जी का ये था कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, वो उन्होंने जो उनकी ऐतिहासिक जीत थी उससे ये है क्लियर है कि वो तो 5 साल तक कहीं नहीं, हो सकता है अब अगले चुनाव में क्या होता है, पर 5 साल तक उनकी सरकार जो है वो बिल्कुल कायम है, वो कॉन्फिडेंस काम कर रहा है, तो इसलिए वो ये इस कॉन्फिडेंस से और उन्होंने जो उनकी ओथ टेकिंग थी, स्वेयरिंग इन थी, उस पर उन्होंने सब पड़ोसी मुल्कों के लीडरों को न्योता दिया था आने के लिए, तो और वो भी एक बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट थी, तो जिससे एक सिग्नल गया कि हम लोग पड़ोसी मुल्कों को एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और फिर उसके बाद भूटान गए पहले, फिर नेपाल आए, और देखिए अब कुछ देर के बाद सार्क समिट के लिए फिर आएंगे नेपाल। और ये जो पिछले कुछ सालों में दूसरे पड़ोसी देशों का नेपाल पर जो प्रभाव पड़ता जा रहा है, इसमें आप भारत की नीति को कितना जिम्मेवार मानते हो? मैं इसमें भारत की नीति को इतना जिम्मेवार नहीं मानता। देखिए आप चीन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी इकोनॉमिक ताकत है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो चीन का असर इन दैट कैपेसिटी वो तो सब जगह होगा ही होगा, सिर्फ नेपाल में नहीं होगा, हिंदुस्तान में भी। आप हिंदुस्तान से बाहर अफ्रीका के देशों में चले जाइए तो वहां पर भी, आफ्टरऑल अगर वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चीन है तो उसकी परछाई जो है वो तो दूर दूर तक जाएगी, अफ्रीका में भी जाएगी, दक्षिण अमेरिका के देशों में भी जाएगी और सब जगह देखी जाएगी। पर एक चीज है कि देखिए आप नेपाल के लीडरों के नाम देख लीजिए, आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सुशील कोइराला जी। सुशील नाम जो है वो भारत में कितना प्रचलित है आप जानते हैं, और कोई भी नाम ले लीजिए, रामशरण महाजी जो वित्त मंत्री हैं आपके, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिमलेंद्र निधि जी जो आज ये जिस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया हूं, ये सब लोग जो यहाँ आज थे, तो एक तरह से एक जो सामाजिक संस्कारिक धार्मिक और लैंग्वेज के जो लिंक्स हैं वो तो इंडिया के साथ ही हैं, ओपन बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही है, मतलब अगर 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 विवाह शादी की बात होती है तो वो तो भारतीय परिवारों के साथ ही होती है, लेकिन वो और प्रभाव खाते भी हम दाल भात ही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि चीन का एक प्रभाव स्वाभाविक है क्योंकि वो एक तरह से इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है, तो इसलिए उसका वो प्रभाव जो है इकोनॉमिक पावर के तौर पे, तो मान लीजिए आज आप हाइडल प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, उसके लिए आपको मशीनरी खरीदनी है, तो आप कहां से खरीदेंगे? आप वहीं से खरीदेंगे जहां से आपको सबसे अच्छे दाम पे अच्छी क्वालिटी की मशीनरी मिलेगी,
और अगर आपको चीन से मिलेगी आज, क्योंकि चीन की आज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सब लोग जानते हैं कि चाइना हैज बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो अब उसमें कोई क्या कर सकता है। आप ये तो कहना चाह रहे हो स्वाभाविक है एक तरह से उनका, जैसे जैसे उनकी आर्थिक वृद्धि हुई है उनका आर्थिक वेट जो है वो बढ़ा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, नेपालमा आयोजना हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलन कतियौं हो? अप्सन ए 18, अप्सन बी 17, अप्सन सी 19 र अप्सन डी 16। दिएका अप्सनहरु मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई र सीजी को इन्डक्सन कुकर प्रत्येक महिना एक जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेव ओभन प्रत्येक महिना एक जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। यसको कुपन चमत्कारी छ, वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. Break ke baad aap sab ko fir se swagat hai. Abhi aapa baatchit kar rahe hain Ambassador Rakesh Sood se. Aao in baatchit ne fir se aage badhao. Aap ye keh rahe ho ki jo emotional jo hamare sambandh hai do desh ki, wo कुछ भी हो जाए वो इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन लेकिन ऐसा भी तो होता है कि दूसरा कहीं ज्यादा अगर प्रभावी हो जाता है तो उन संबंधों में खटास तो धीरे धीरे आ जाती है। मुझे लगता है कि अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और दोबारा आएंगे, और अब कुछ जो इतने राजनीतिक परिस्थिति की वजह से जो पुराने एग्रीमेंट थे जो रुके पड़े थे, जैसे ये पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जीएमआर का है अपर करनाली का, या सतलुज जल विद्युत का जो प्रोजेक्ट है अरुण 3 का, जिसके ऊपर अपेक्षा है कि वो भी अगले कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये सब जो प्रोजेक्ट हैं अगर ये आगे बढ़ चलें तो एक तरह से हमारे जो रिलेशनशिप हैं भारत और नेपाल के, उसके अंदर भी उसी तरह इकोनॉमिक कंटेंट बढ़ जाएगा। ये मत भूलिए कि इसके बावजूद कि चीन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया ही है, और नेपाल के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान भारतीय कंपनियों का ही है। तो इसलिए अब ये जो योगदान है इसको आज के समय में इसको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए ये जो अभी ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि ये इनको अगर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, रेलवे लिंक्स की बात हो रही है, अभी नितिन गडकरी जी ने जो आज यहाँ समिट के लिए आए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए, उन्होंने बात की कि देखिए एक तरह से आश्वासन दिया पूरी तरह से के, और उन्होंने कहा कि अलग अलग किस्म से हम लोग अपने लिंक्स को और मजबूत कर सकते हैं। ओपन बॉर्डर तो है ही है हमारा, और किसी देश के साथ नेपाल का ओपन बॉर्डर तो नहीं है, केवल भारत के साथ है, और अब अगर उसके अंदर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बहुत देर से रुके पड़े हैं क्योंकि नेपाल के साइड में लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया, वो अगर आगे बढ़ता है और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनते हैं, ऑयल पाइपलाइन है रक्सौल अमलीगंज की वो रुकी पड़ी है, अब उसके ऊपर बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाया जाता है, रेलवे लाइन की जो प्रोजेक्ट थे उनकी चर्चा थी, तराई रोड प्रोजेक्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं, और ये अपर करनाली का या अरुण 3 का ये सब प्रोजेक्ट जिनके हस्ताक्षर हो रहे हैं ये आगे बढ़ते हैं ताकि अगले 2-3-4 साल के अंदर हम देखें कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आप जो ये प्रोजेक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, लेकिन नेपाल की आम जनता जो है
उनका मन जीतने के लिए, क्योंकि जनता हमेशा क्या देखती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का जो इफेक्ट आएगा वो बहुत लंबे समय बाद आता है, उनका मन जीतने के लिए इमीडिएट रिलीफ या इमीडिएट रिजल्ट ओरिएंटेड किस टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आगे बढ़ सके? देखिए, इमीडिएट रिलीफ तो हमको ये देखना चाहिए, जैसे नेपाल से मोबाइल टेलीफोन कॉल करने के लिए इंडिया क्या खर्चा होता है, और नेपाल से दुबई करने के लिए क्या खर्चा होता है। अब अगर इंडिया करने में खर्चा दुबई से 3 गुना अधिक होता है तो ये चीज सॉर्ट आउट करनी चाहिए। इस वक्त कितने नेपाली लोग हैं जो भारत में काम करते हैं, कोई छोटा काम बड़ा काम जिस तरह भी, कई लोग हैं, उनकी तादाद कहना मुश्किल है, पर आम तौर पे कहा जाता है कि शायद 55-60 लाख लोग होंगे नेपाल के जो इंडिया में नौकरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं या वो लोग वहां से इंडिया से पैसा भेजते हैं अपने घर अपने गांव, तो उनको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आसान है उनके लिए क्यों कठिन है, और अगर कठिन है तो क्यों कठिन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर वो अपने घर फोन करते हैं तो वो उनको कितना पैसा लगता है वो फोन करने में? मोबाइल फोन तो आजकल हर एक के पास है, इंडिया में भी और नेपाल में भी। तो ये जो छोटी चीजें हैं, इन लोगों ये छोटी चीजों को अगर हम हल कर लें, और जब वो वापस आते हैं अपना सामान लेकर तो वो बॉर्डर के ऊपर उनको तकलीफ होती है या नहीं होती, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम देख लें तो मुझे लगता है कि एक तरह से एक अच्छा संदेश जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये छोटी जो दो चार चीजें आपने जो बताई हैं जी, इन चीजों को अगर हल कर लिया जाए तो ये तो आसान है, आसान है और उनके मन में बसा जा सकता है। तो इससे पब्लिक आम नेपाली को लगेगा कि हाँ, हमारे देश जो है, हमारी सरकारें जो हैं, वो जो आम आदमी की जो तकलीफ है वो समझ रही है और उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी आपने जो कहा, जो सार्क सम्मेलन सामने आ रहा है, 18th सार्क है, इससे पहले कई सम्मेलन हो चुके, लेकिन उनमें जितनी भी बातें करी गई इम्प्लीमेंटेशन की फेज में बहुत कम बातें आई। अब क्या लगता है, आगे क्या अपेक्षा की जा सकती है फ्रॉम 18th? देखिए, पहली चीज तो ये कि सार्क जो है उसकी अचीवमेंट्स जो हुई हैं वो कुछ हद तक इससे भी उससे असर पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो तनाव के किस्म के संबंध हैं तो फिर उसका एक तरह से असर पड़ जाता है सार्क के ऊपर, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान दो सबसे बड़े देश हैं। ये एहसास जो था ये करीब 10-15 साल पहले ये आ गया था लोगों के मन में, और सार्क के अंदर जो बाकी देश थे उनको इस बात से ये बात उनको खटकती थी कि देखिए, आप लोग आपस में अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे ऊपर हम क्यों सफर करें। तो अब ये फिर ये तय हुआ कि कई चीजों के अंदर अगर बाकी देश तैयार हैं तो वो बात आगे बढ़ाई जाए, और रीजनल फ्री ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी और ये सब चीज़ों की बातचीत हुई। और इसलिए अब पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है कि सार्क जहाँ जहाँ आगे बढ़ सकता है उसे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है जब मोनार्की एग्जिट हुई थी नेपाल में, उस समय में भारत ने कुछ आश्वासन दिए थे जो बाद में इम्प्लीमेंट में नहीं आए, आप क्या कहते हैं? आपकी समय में ही वो एग्जिट था? मेरे समय में अवश्य ये एग्जिट हुआ, पर ये सो कॉल्ड आश्वासन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा जरूर है, पर ऐसे कोई आश्वासन जो है वो कहीं उसके ऊपर कोई ऐसा अथॉरिटेटिव कोई टिप्पणी नहीं है कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था। भारत को इस बात के ऊपर गर्व है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो एक नेचुरल जो हमारी सपोर्ट है वो डेमोक्रेसी के प्रति आती ही है, और वो नेपाल और भारत के संबंधों के इतिहास को अगर हम देखें इंडिपेंडेंट इंडिया से, तो वो शुरू से रही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि
मोनार्की एग्जिट ही एक आंदोलन नहीं था, नहीं सभी में ये भारत का, और ये भारत का आंदोलन नहीं हो सकता ना। भारत अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट कर सकता है। अब जाते जाते नेपाल की जनता को एज ए फॉर्मर एम्बेसडर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुझे वापस आकर बेहद संतोष हुआ, बेहद खुशी हुई, और मैं चाहूंगा कि शायद आने वाले सालों में अगर मुझे यहाँ दोबारा से ट्रैकिंग करके या फोटोग्राफी करने का मौका मिले तो मैं आऊंगा वापस और देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो हैं वो बढ़ रहे हैं और भारत और नेपाल के संबंध जो हैं वो और घनिष्ठ और सुदृढ़ और आपस में और ज्यादा इन्वॉल्व मल्टी डायमेंशनल होते जा रहे हैं। आपने हिमालय टेलीविजन को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और ये छोटी सी भेंट हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए। धन्यवाद। अभी आप लोग सुन रहा था फॉर्मर एम्बेसडर राकेश सूद जी के सागर की बातचीत, और ये बातचीत पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम, और ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा समावेश भएको पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी पाकिस्तान, अप्सन सी बांग्लादेश र अप्सन डी मालदिव्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए अफगानिस्तान। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल पाँच एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9843663233, 9841437438, 9842041509, 9817141211, 9844735302। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9814846432। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालमा आयोजना हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलन कतिऔं हो? अप्सन ए 18, अप्सन बी 17, अप्सन सी 19 र अप्सन डी 16। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 एसएमएस गर्नुहोस्। आजको लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिबार फिर नई सामग्रियाका सागर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर, और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हो है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।